आर्मी फिल्म की शूटिंग के सेट पर पहुंचे सुरेश कुमार खन्ना किया शुभारंभ। जानिए पूरी वारदात। बॉलीवुड एनटीटी 24 प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। शाहजहांपुर में चल रही आर्मी फिल्म की शूटिंग का शुभारंभ करने पहुंचे खन्ना जी, साथ ही दिनेश लाल खेसारी ने पैर छूकर आशीर्वाद ले फिल्म का शुभारंभ किया। दोस्तों, बॉलीवुड एनटीटी 24 आपके लिए बहुत सारी अपडेट्स लाता रहता है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले वीडियो पहुँचे आप तक। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि हम ऐसे ही बहुत सारी वीडियो आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे। दोस्तों, दिनेश लाल के चाहने वाले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, बता दें कि इस समय हम हनुमत धाम पर मौजूद हैं और हनुमत धाम पर इस आर्मी फिल्म की शूटिंग का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें सुरेश कुमार खन्ना जी पधारे हुए हैं और दिनेश लाल यादव भी साथ में मौजूद हैं। दिनेश लाल यादव ने, जैसे कि मैं आपने देखा होगा पीछे, कि दिनेश लाल यादव ने सुरेश कुमार खन्ना जी के पैर छूकर शुभारंभ किया है और सुरेश कुमार खन्ना जी को खास तौर पर दिनेश लाल यादव जी के कहने पर बुलाया गया था। आप हनुमत धाम की इस विशाल प्रतिमा को देख सकते हैं, हम चरण स्पर्श करते हैं इस विशाल प्रतिमा को, जिसने इस सौभाग्य को हमारे शहर की गरिमा को बढ़ाया है। और यहाँ पर बता दें कि दिनेश लाल खेसारी और सुरेश कुमार खन्ना जी और उनकी पूरी टीम जो है पीछे खड़ी हुई है, जो कि हनुमत धाम पर एक फ़ोटो क्लिक करा रही है। साथ में बता दें कि ये शूटिंग का शुभारम्भ यहीं से शुरू होता है और इसके साथ साथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब आपको हम बताएंगे इसकी आज की खास वीडियो में, तो बिल्कुल वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक एक कड़ी के साथ में जुड़े रहिएगा हमारे साथ, बिल्कुल आप लोगों को एक एक चीज़ से अपडेट्स देता रहूँगा और फिल्म की लोकेशन पर जा जाकर हम आप लोगों तक वीडियो पहुँचाते रहेंगे। तो बिल्कुल निसंकोच होकर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में, ताकि वो भी देख सकें कि शाहजहांपुर में कहां पर शूटिंग चल रही है, या अगर वो इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहते हैं तब भी उन्हें बेहद ज़रूरी हो सकता है उनके लिए। देखिए, दिनेश लाल खेसारी ने सुरेश कुमार खन्ना जी को माल्यार्पण कर और शॉल को पहना कर उनका जो है अभिनंदन किया है और विशाल प्रतिमा के सामने सभी लोगों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया है। और साथ ही यहां पर बहुत सारी टीम आई हुई है और ये विशाल भीड़ जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ शूटिंग का शुभारंभ देखने के लिए उभरी हुई है। शाहजहांपुर का हनुमत धाम इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहां पर एक विशाल मूर्ति जो कि हनुमान जी की है, हनुमान जी संकट मोचन हनुमान सभी के संकट को हरें। दोस्तों, बता दें कि शूटिंग का शुभारंभ होने से पहले कुछ हमारे देश में कुछ प्रथाएँ होती हैं जो कि पूर्ण की जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लोकेशन की बात चल रही है कि कहाँ कहाँ पर शूट होगा और दिनेश लाल खेसारी इस समय माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी से वार्तालाप कर रहे हैं और इस वार्तालाप में वो ये निश्चय कर रहे हैं कि हम किन किन जगहों पर शूट करेंगे। और शाहजहांपुर के दोस्तों बता दें कि अन्य अन्य हिस्सों में शूटिंग होने वाली है, बिल्कुल आप चूकिएगा मत। अगर आपने वीडियो को मिस कर दिया या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित ही आप वीडियो देखने से चूक जाएंगे, तो बिल्कुल निसंकोच होकर हमारे साथ में जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, यहां पर ये फाइनल हो चुका है कि किन किन जगहों पर शूटिंग होने वाली है और दूर दराज से लोग भारी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। यहाँ पर ये मीटिंग चल रही है, एक छोटी सी मीटिंग चल रही है जहाँ पर ये निश्चय किया जा रहा है कि हमें किन किन जगहों पर शूटिंग करनी है। और बता दें कि हनुमत धाम पर ही एक विशाल सेट लगाया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये अपार भीड़ उभरी हुई है सिर्फ और सिर्फ शूटिंग देखने की। आप कैमरा देख सकते हैं उधर थोड़ा घुमा दीजिए, ठीक है। ये देखिए पूरा लोकेशन है और ये हनुमत धाम का ही है। अगर आप शाहजहांपुर में आते हैं तो हनुमत धाम पर ज़रूर आइएगा, जहां पर आपको देखने को मिलेगी एक विशाल मूर्ति और साथ ही शहीद पार्क
जहाँ पर शूटिंग होने वाली है। आप देखिए किस सेफ्टी के साथ में यहाँ पर वार्तालाप हो रहा है और निश्चित किया जा रहा है कि किन किन जगहों पर हमें शूट करना है। दोस्तों ऐसी ही बहुत सारी अपडेट्स और ऐसी बहुत सारी वीडियो आप लोगों के बीच में लाएंगे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले वीडियो पहुँचे आपका तक आप तक। धन्यवाद। Bollywood NTD 24. Please subscribe this channel for upcoming videos.